देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र कहाँ। वो तो सब कुछ बंद करने का दिखावा करने के बाद अब अपना खजाना भरने में लगी है। इसीलिए अनलॉक 3 की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, जिसमें सरकार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया, यानी साफ है कि अब आप दिन में निकलिए या फिर रात में निकलिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं रहेगी। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत भी दी गई है। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद करने के साथ ही जनता की यात्रा के लिए मुफीद कहे जाने वाली मेट्रो को अब तक नहीं खोला गया है। जनता बार बार मेट्रो खोलने की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार लाल झंडी दिखा रही है। इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि मेट्रो को खोलने से महामारी तेजी से फैलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या दूसरे संसाधन खुलने से बीमारी भयावह रूप नहीं लेगी? क्या जिम और दूसरे व्यवसाय खोलने से परेशानी नहीं बढ़ेगी? सरकार के फैसलों से साफ है कि वो केवल फिक्र का दिखावा कर अपनी जेब भरना चाहती है, जबकि उसे जनता की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी लाइव की रिपोर्ट।